खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से। जिला प्रशासन के निर्देशों पर आज सुबह शराब की दुकान खोली गई। दुकान खुलने से पहले ही शराब प्रेमियों की लाइन लगनी शुरू हो गई। वहीं सदर कोतवाली के पेड़ा गली की देसी शराब की दुकान खुलते ही अबकारी विभाग की और जिला प्रशासन की पोल खुल गई। शराब की दुकानों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, बिना मास्क के ही शराब बेची जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं लोग शराब जमाखोरी के लिए लिमिट से अधिक शराब खरीद रहे थे। वहीं एक युवक ने ओवर रेटिंग की शिकायत की। इस मामले में आबकारी अधिकारी का कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, मौके पर इंस्पेक्टर को भेजा हूँ, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो सब पेड़ा गली में शराब देसी शराब की दुकान है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा और ओवर रेटिंग शराब वहाँ बेची जा रही है, क्या कहना है? ये प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है और मैंने तत्काल अपने क्षेत्रीय संबंधित आबकारी निरीक्षक को निर्देशित किया है कि गोपनीय रूप से जाए, वहाँ खरीदारी करें, देखें कि MRP पर शराब बिक रही है कि नहीं। अगर MRP से अत्यधिक शराब बिक रही है तो उसको तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये भी निर्देशित किया है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलोअप किए कहीं से भी शराब बिकने की अनुमति नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो हो, तो जैसी आख्या आएगी तत्काल उसके खिलाफ अनुज्ञापी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक एक आदमी को 20-20 शराब दिया जा रहा है, 20-20 बोतल, क्या कहना है इसके बारे में? वो भी नियम विरुद्ध है, क्योंकि एक आदमी को जो अनुमन सीमा है 1.5 लीटर की, उसके भीतर ही शराब दे सकता है। अगर उससे अधिक की शराब दे रहा है तो ये भी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? कितना सीसी आप लिए हैं? 11। कहाँ से लिए हैं? भट्टी से। कहाँ, किस जगह भट्टी है? पेड़ा गली। कितना रुपए लिया गया आपसे? हाँ, कितने रुपए लिया गया है? हैं 11 आदमी। कितने रुपए लिया गया? 600 देने हैं। 600। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जीतू।